कहते हैं बच्चे हर देश का उज्जवल भविष्य है, मगर तब क्या हो जब बच्चे जन्म लेते ही एक ऐसे बीमारी से संक्रमित हो जाए जो लाइलाज हो। जन्म लेते ही उनके जीवन पर इस बीमारी का ऐसा घोर अंधेरा छा जाए जिससे उबरने के लिए उन्हें आजीवन संघर्ष करना पड़े, मगर फिर भी इस बीमारी को उन्हें सजा के तौर पर आजीवन भुगतना पड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पाइना बिफिडा बीमारी की। क्या है स्पाइना बिफिडा बीमारी और कैसे ये नवजात के जीवन पर ग्रहण लगाता है, चलिए जानते हैं। दरअसल गर्भवती महिलाओं को उचित मात्रा में फॉलिक एसिड ना मिलने के कारण उनका नवजात शिशु स्पाइना बिफिडा नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ये बीमारी 1000 बच्चों में से 4 से 10 की संख्या में पाई जाती है। स्पाइना बिफिडा से ग्रसित नवजात के स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता, उनके मस्तिष्क में पानी जम जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनकी किडनी पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलता है और वो विकलांग हो जाते हैं। ऐसे बच्चों का जीवन मौत से कम नहीं होता। ऐसे भयावह बीमारी से नवजात को बचाने के लिए डॉक्टर कहते हैं बच्चों के लिए प्लानिंग कर रही महिलाओं को हर रोज 400 माइक्रोग्राम मात्रा में फॉलिक एसिड लेने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं गर्भवती हैं या नहीं इसकी जानकारी उन्हें 6 सप्ताह के बाद ही मिल पाती है, और जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनके गर्भ में पल रहे भ्रूण के स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण 4 सप्ताह के अंदर होना शुरू हो जाता है। इसलिए डॉक्टर के मुताबिक जो महिलाएं संतुलित आहार ग्रहण करती हैं उन्हें हर दिन 250 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेने की जरूरत है और बाकी महिलाओं को 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना चाहिए, तभी बच्चों को एक स्वस्थ और बेहतरीन जीवन मिल पाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए कोलकाता के धर्मतल्ला में स्थित प्रेस क्लब में देश व समाज को इस विषय के प्रति जागरूक करने के लिए द स्पाइना बिफिडा फाउंडेशन की ओर से प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर संदीप चैटर्जी व डॉक्टर सुभाषिश शाह ने इस बीमारी व इसके निवारण के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सर, मैं सवाल मेरा ये है तो सर, तो हिंदी जैसा कि आपने कहा कि 10,000 बच्चों को 15 बच्चों को देखा जाता है कि जिस तरह से ये बीमारी से ग्रसित होते हैं, किडनी और आगे पैरालिसिस वगैरह होते हैं, तो जो कि 6 हफ्तों में पता चलता है कि महिला गर्भवती है कि नहीं, इससे पहले इस चीज को कंफर्म। समस्या यही है कि 4 हफ्ते के अंदर बच्चों का जो स्पाइनल कॉर्ड है ये तैयारी हो जाता है। अब गर्भवती महिला को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है 6 हफ्ता में, उसके बाद फोलिक एसिड या कुछ लेने से बच्चों का स्पाइनल कॉर्ड तैयारी के ऊपर कोई उसका कुछ ये नहीं पड़ता। यानी इसके लिए हर महिलाओं को, अगर जो चाइल्ड बेयरिंग एज का है उसको फोलिक एसिड कुछ खाना में दिया जाता है, ये चाहे राइस हो या फ्लावर हो या हम लोग चाहता है नमक में हो, क्योंकि हमारा देश में नमक में आयोडीन ऐड किया जाता है, आयोडाइज सॉल्ट बोल के, तो अगर हम लोग नमक में फोलिक एसिड सफिशेंटली दे सकते हैं तो ये जो 15 बच्चा पैदा होता है ये स्पाइना बिफिडा लेके, जिसमें आप लोग सुना है कितना तरीके से प्रॉब्लम होता है, समस्या सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का नहीं होता, ब्रेन का होता, किडनी का होता, और जितना रोज ये बच्चा जिंदा रहता उसको कुछ ना कुछ बीमारी के लिए इलाज करने पड़ता है। ये बंद हो सकता अगर ये फोलिक एसिड दिया जा सकता। जैसा कि आपने बताया कि अगर बच्चा इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जैसे कि किडनी की समस्या हो या इन फ्यूचर जाके उसे ब्रेन की समस्या से जूझना पड़े, तो 48 घंटों के अंदर अगर ऑपरेशन कर दिया जाए तो ये सक्सेसफुल होता है। कुछ तो कमी हो सकता है उसका समस्या को, यानी उसका किडनी का या पूरी तरह से निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो तैयारी नहीं हुआ स्पाइनल कॉर्ड हो या ब्रेन हो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पैदा होने का 1 रोज बाद में भी वह तैयारी नहीं हो सकता। सर, एक
लास्ट बट अहम सवाल, लोग तो खाने पीने को लेकर जिस तरह से अभी देख रहे हैं वर्तमान समय में कितना जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, उस समय ये बहुत बड़ी समस्या है कि देश के बच्चे मतलब नवजात बच्चे जब आगे इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं, चाहे वो किडनी की समस्या हो या स्पाइनल कॉर्ड की समस्या, तो ऐसे में कैसे जागरूक करें कि हाँ हर एक महिला को जो है सही मात्रा में फॉलिक एसिड देना चाहिए अपने खाद्य पदार्थ। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं उसको खाना में सफिशिएंट फोलिक एसिड नहीं मिलता, इसीलिए सप्लीमेंटेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो वर्ड सप्लीमेंटेशन, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फोर्टिफिकेशन का ज़रूरत है, यानी सप्लीमेंटेशन का मतलब है कोई महिला जब प्रेग्नेंट होगा, प्रेग्नेंसी टेस्ट पॉजिटिव होगा, उसके बाद उसको फोलिक एसिड दिया जा सकता है। और फोर्टिफिकेशन है प्रेगनेंसी जब उनके होगा उसके पहले से ही उसका ब्लड में सफिशिएंट फोलिक एसिड है। इसके लिए सिर्फ खाना का ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ज़रूर जंक फूड से नहीं होगा, यानी फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह में फोलिक एसिड रहता है ये ज़रूर है, लेकिन इसके साथ ये फोर्टिफिकेशन का भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश में महिलाओं को जो ब्लड में फोलिक एसिड लेवल रहता है वो सफिशिएंट।